92.8 रक्तदान जीवन दान टाइम छे भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ज में अभी रात के 9 बजे खुशबू कब दूर पवन से कब दूर बहार चमन से प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है जन्म जन्म से जुटल बंधन पल भर में ही टूट जाला दिल चाहेला मिली एक बार पर ना जाने लोग काहे मजबूर हो जाला मेरा दर्द तुम ना समझ सके मुझे सख्त इसका मलाल है जरा फिर समझ कर जवाब दो मेरी जिंदगी का सवाल घर परिवार से जुटल कहानी वाह भाई दोस्त और प्रेमी प्रेमिका बीच के कहानी के साथ कार्यक्रम जिंदगानी अपने के जिंदगी में घटल घटना व सुख दुख मिलन बिछोड़ पर आधारित वास्तविक कहानी के साथ कार्यक्रम जिंदगानी अपने सबके चिट्ठी पत्र के साथ हरेक बीफे के रात 9 बजे से सुने के नहीं भूले कार्यक्रम जिंदगानी 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 लौट के आना
लाऊंगा तेरे लिए आंखें लाऊंगा तुझको दुनिया दिखलाऊंगा तेरे लिए आंखें लाऊंगा तुझको कैसे भुला पाऊंगा लौट के जल्दी मैं आऊंगा लौट के जल्दी मैं आऊंगा सिंदूर की लाज नहीं
परदेसी लौट के आना। नमस्कार प्रणाम स्वागत आदरणीय श्रोता मित्र, रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz साथ ही विश्वभर के साथ www.radiobhojpuriafm.com के माध्यम से सुनातानी कार्यक्रम जिंदगानी यानी लव स्टोरी। बहुत बहुत स्वागत बाटे कार्यक्रम लव स्टोरी में। कार्यक्रम के साथ में बानी हम अपने सबके दुख सुख के साथी आर जरूर सभी आदरणीय श्रोता महानुभाव लोक में अर्जी और उनके दोनों हाथ जोड़ के सभी में प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में तकनीकी कक्ष से सहयोग कर रहा बानी टेक्नीशियन मित्र भाई श्री पूजन कुमार यादव जी। कार्यक्रम जिंदगानी यानी कि लव स्टोरी हर एक बीफे की रात 9 से 10 बजे तक सुनते आ रहा बानी। कार्यक्रम के माध्यम से अपने सबके दिल के बात, अपने की जिंदगी के अनुभव, अपने की जिंदगी की कहानी FM के माध्यम से पढ़ के सुनावे नहीं। कार्यक्रम के माध्यम से आज एक बहुत ही बेहतरीन कहानी हमने के प्राप्त भइल बाटे। जिंदगी के उतराव चढ़ाव मोड़ ही मोड़ से भरल जिंदगी, ये जिंदगी में सुख और दुख दोनों दो पहिया होखेला। ये अनुभव केशव जी के रहल बाटे। केशव कुमार जी के लव स्टोरी जिंदगानी जिंदगी की कहानी आज अपने सबके रेडियो शीट पर हमने के पढ़े जा रहल बानी। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही हार्ट टचिंग कहानी बाटे। ये कहानी पढ़ला के बाद में मन हमर एकदम भावुक हो चुकल बाटे। आई होप यू वुड बी लाइक अपने सब भी पसंद करें। बहुत ही बड़ा शिक्षा दे रहल बाटे यहाँ के जिंदगी के कहानी। कार्यक्रम जरूर शेयर कर दें केशव कुमार जी की कहानी आज हमने के कार्यक्रम में प्राप्त भइल बाटे। केशव जी की कहानी अपने के रेडियो शेड पर आज के एपिसोड में। प्यार मोहब्बत एक इबादत इंसान के मेंटल आशिक बना देवेला, इंसान के पगला बना देवेला, इंसान के आवारा बना देवेला, इंसान के खुद से बाहर पहुंचा देवेला, इंसान अपने बस में ना रह जला। यह इश्क मोहब्बत प्यार भरा कहानी आज के एपिसोड में केशव कुमार जी के। अपने सबसे रिक्वेस्ट बा अपने के भी जिंदगी में कौन ऐसा कहानी बाटे, लव स्टोरी बाटे या परिवारिक कहानी बाटे, भाई भाई बीच के कहानी, भाई बहन बीच के कहानी या फिर प्रेमी प्रेमिका बीच के कहानी, लव स्टोरी बाटे, अपने अपन लव स्टोरी हमने के कार्यक्रम में प्रेषित कर सकता नहीं। सबसे पहले अपने अपन जिंदगी की कहानी के पाना में लिखे के प्रयास करें, पाना में लिखें। पाना में लिखला के बाद में एटलीस्ट 5 से 6 पाना अपन कहानी रो लिखें और भोजपुरिया FM के स्टूडियो में आके वो कहानी के जरूर उपत्र के हमने के पहुंचा दे। पाता बाटे कार्यक्रम जिंदगानी लव स्टोरी रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 MHz बीरगंज आदर्श नगर टाउन हॉल गेट के पास हमने के ऑफिस बैठे, हेड ऑफिस में आके अपने सब अपन कहानी दे सकता नहीं, अपने के कहानी अपने के रेडियो सेट पर। अगर ऐसे संभव नहीं है रुआ बेतिया मोतिहारी मुजफ्फरपुर या विश्व के कोनो कोना में मलेशिया लगायत अन्य अन्य मुल्क में बानी अपने सब, वहाँ से भी हमने के साथ जुट सकता नहीं, पत्र प्रेषित कर सकता नहीं। का करें अपने कहानी लिखें, लिखला के बाद में एंड्रॉइड स्टेट मोबाइल से बढ़िया फोटो खींच लें,
फोटो खींच के हमनी के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। व्हाट्सएप नंबर बाटे 00977-9803-6513। इन नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपने के कहानी अपने के रेडियो सेट पर हमनी के प्रसारित करें। हमनी के कार्यक्रम सुन रहल बानी दिवाकर श्रीवास्तव जी फेसबुक के माध्यम से। नमस्कार सर जी, अलौ से बानी। धन्यवाद दिवाकर श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम के शेयर कर दें। ममताज आलम जी वेरी नाइस लिख रहल बानी, कार्यक्रम के शेयर कर दी ममताज जी। कृष्णा मिश्रा जी बहुत अच्छा गाना था, थैंक यू सो मच कृष्णा भाई, इस शो को जरूर आप शेयर कर दीजिएगा। सुबोध राम जी बहुत अच्छा गाना बा अरुण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हाकिम साहब। कार्यक्रम के शेयर करे के खातिर सभी श्रोता लोग से हमने के रिक्वेस्ट बाटे। अजय कुमार आसिक जी नमस्ते प्रणाम, राम राम अरुण भैया, हम थर्गोट मीडिया ग्रुप सऊदी अरब से। अजय कुमार आसिक बहुत बढ़िया लगा था गीत सुन के। अजय कुमार आसिक जी, अरुण भैया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बाटे। साजन शाह जी लिख रहल बानी, हेलो अरुण सर, हाय साजन जी, कार्यक्रम शेयर कर दी। शमीम अंसारी जी नाइस सॉन्ग लिख रहल बानी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी अपने के आँख नम करके रख दी, अब कहानी की ओर हमने के आगे बढ़ाता नहीं। आज की कहानी कार्यक्रम में आसिक कुमार जी पत्र प्रेषित कर ले बानी। आसिक जी की जिंदगी के वास्तविक कहानी बहुत ही ड्रामेस्टिक बाटे और बहुत ही मोटिवेशनल बाटे, बहुत ही हार्ट टचिंग, बहुत ही इमोशनल बाटे। एक दर्द भरा कहानी आज के एपिसोड अपने के रेडियो सेट पर। लौट के जल्दी मैं आऊंगा, लौट के जल्दी मैं आऊंगा। नमस्कार आरजे अरुण भैया, हम के सब कुमार, अपने के कहानी हर रोज सुने नी। आज हम अपन भी जिंदगी के वास्तविक कहानी कार्यक्रम जिंदगानी में भेज रहल बानी। ये कहानी के जरूर पढ़ देब अपने, बहुत बड़ा एहसान होगी कि सब भाई एहसान के बात मत कर यार, हमने के काम बाटे अपने सब के कहानी पढ़ के सुनावे के। अरुण भैया ये जिंदगी इंसान के काना करवावेला, कबो कबो जिंदगी के बारे में सोचे नहीं तो अभी तक अपना जिंदगी में हम जोन कुछ खोइले बानी वो चीज के याद करके आंख नम हो जाला। अपन जिंदगी के कहानी अपने के बीच आज भेजा था नहीं, हमर कहानी जरूर पढ़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद केशव कुमार जी कार्यक्रम में अपन कहानी भेजने जिक्रा खातिर। अरुण भैया
जिंदगी में इंसान से बहुत जगह पर भूल त्रुटि गलती हो जाला, और उकरा बाद सिर्फ और सिर्फ पछताए के ही पड़ेला। हम केशव कुमार के जिंदगी में भी उसन के उतराव चढ़ाव की कहानी सब बाटे, उसन के पछताए वाला दिन सब बाटे। आज कार्यक्रम के माध्यम से हरेक पल के याद करा दानी। हमर कहानी के गलत अर्थ मत निकाले ब्रुवा लोग। दोनों हाथ जोड़ के सभी श्रोता लोग से, भोजपुरिया FM सुने वाला सभी श्रोता लोग से आग्रह भी करा दानी। हम के सब एक सामान्य और गरीब परिवार में जन्म भइल। 8 क्लास तक गांव के स्कूल में पढ़नी, लगभग 14-15 साल के रहनी। घर के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी रहे। घर में 8 आदमी के परिवार रहले, 3 बहिन, 2 भाई और माई पापा और दादाजी। कुल मिला के 8 परिवार के 8 जने के हमर परिवार बैठे। आरजे अरुण जी सबसे बड़ हमारे को दीदी बाड़ी, और भाई लोग में सबसे बड़ा हम खुद है के सब भाई। दीदी की शादी भइल और फिर परिवार में कर्ज चढ़ गए। एक सामान्य और गरीबा परिवार भइले के कारण से लगभग 2.5-3 लाख जितना कर्ज रहे हमरे परिवार के ऊपर दीदी के शादी में खर्च भर रहे। हर रोज ब्याज पे ब्याज पढ़ल जात रहे। बाबूजी कहने की के सब बेटा अब ऐसे करा तो विदेश चल जा, फलना भाई के लड़का भी जाता, अब वो तोहरे साथ ही हुआ। अरुण भैया थोड़ा हमने के गांव ग्रामीण भेग बाटे, हमरे गांव में पढ़ल लिखल लोग बहुत कम मिलेला, और बाबूजी के बात सुनला के बाद में हम भी सोचनी कि वास्तव में परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट बाटे। 2.5-3 लाख रुपया कर्ज, महीना के 10,000 के हाराहारी में ब्याज बढ़ता, और ही बढ़ के लगभग 3.5 लाख जितना हो चुकल बाटे। अब तो कुछ करे के पड़ी हमनी के। अर्जुन भैया बाबूजी जाके हम लगभग 15 साल के रहनी, 8 क्लास में पढ़त रहनी, हमर नागरिकता बनवा देनी एज बढ़ा के 15 साल में ही हम 18 साल कह के विदेश के उड़ गई नी। विदेश जात रहनी तो हमरे परिवार में माई दादाजी बहुत घबरात रहनी, वहां लोग चाहत रहनी कि हम विदेश ना जाए, हम घर में ही रहे, अभी और पढ़ाई करें। लेकिन आरजेरुन भैया एक तरफ पढ़ाई, दूसरा तरफ कर्ज, एक तरफ पढ़ाई
दूसरा तरफ कर्ज। अब रुआ बताई हम का करते, जितना हम के समझदारी रहे उतना में हम विदेश जाए के रोजनी। और विदेश विदेश सब केहू के आंख में आंसू रहे, माई बहन लोग भाई दादाजी। परदेश मलेशिया के खातिर वीजा बनल और हम मलेशिया जाए के खातिर उड़े के खातिर महाजन लोग से और थप 1.5 लाख जितना बाबूजी लोन लेने। और हम काम करे के दौरान मलेशिया में चल गई नहीं स्वर्ग से सुंदर जन्मभूमि जगत जननी नेपाल के जोड़ के। चंदन में हो खुशबू जैसे डोर बनी सांसों की ऐसे लौट के आना।
आर से अरुण भैया देखते देखते भीसा आइल और हम विदेश जाए के उड़ गई नी, देखते देखते परदेसी हो गई नी। परदेश में गईला के बाद में सब कुछ नया नया सा लागत रहे। कबो गांव के छोड़ के बाहर ना गईले लैके के खातिर, बिल्कुल विदेश एक सपना के नगरी सा रहे। गांव के याद आवत रहले, माई बाबूजी भाई बहन लोग सबके होके बड़ा याद आवत रहले। मन तो कहाँ लागत रहे विदेश में, लेकिन का करे, परिवार के कर्ज से बाहर निकाले के खातिर और छोट छोट बहन लोग के शादी करे के खातिर पैसा जुटावे के तो पड़ी न। अपना मन के बहुत ही मन आई अर्जुन भैया, मन के बहुत ही मन आई और विदेश में प्रयास करी कि हम मन के मनाई और काम करी, मन के सुकून दी। बाबूजी हमसे पूछत रहनी कि केशव कैसन समाचार बा बेटा, काम में मन लागत है कि ना। बाबूजी जब इतना बतिया पूछत रहनी तो आंख में आंसू आ जात रहे आरजे अरुण भैया। विदेश में इतना मेहनत, 8-10 घंटा ड्यूटी करे के पड़त रहे। एक कोमल शरीर, कबो इतना मेहनत के काम जिंदगी में कबो ना कैले रहनी। एज से भी एक नाजुक भैला के कारण से बहुत ही परेशानी होखत रहे आरजे अरुण भैया, लेकिन का करे, घर के ऊपर लगभग 4 लाख रुपया कर्ज से रहे, मन तो लगावे के पड़ी। बहुत ही मेहनत के साथ वहाँ पर काम कैनी, काम करत करत धीरे धीरे हैबिट हो गई। शुरू शुरू में थकाई तो बहुत ज़्यादा लागत रहे, कबो कबो मन करे काम छोड़ के ही भाग जाए, लेकिन मलेशिया में रहे के परी के सब अर्जुन भैया पूरा तरह से अपन मन के अपना कंपनी में लगा लेनी और हम ठान लेनी कि जब तक ये कर्ज के चुकता ना करे तब तक अपना घर पे ना जाए। अर्जुन भैया देखे में दुबला पतला छोटा सा हाइट भाई, हम के सब के ऊपर कंपनी के मैनेजर लगाए सभी लोग के बड़ा माया लागत रहले, सबके हो बहुत ही माया करत रहनी, सबके हो दुलार प्यार करत रहनी और सबके हो पूछत रहनी कि केशव कैसन समाचार बा, मन लगाता नु। हम कैसे कहे कि हमके मन नहीं है लागत, लेकिन का करे, मन तो लगावे के परी परिवार के खातिर। आरजे अरुण जी घर पर रही तो मलेशिया बड़ा सुंदर लागे हमके सुने में, बहुत ही अच्छा लागत रहे। हम तो कही कि मलेशिया में जाए तो बहुत ही मजा करें, बहुत ही नीमन देश बाटे। अरजे अरुण भैया बहुत ही नीमन देश बाटे मलेशिया के, हम कहते रहे बड़ा जाए में हमरो इंटरेस्ट रहे, लेकिन वहाँ गईला के बाद में पता चलल कि पैसा कमाइल कितना मुश्किल बाटे। घर पर रही तो लागत रहे कि वहाँ जाए तो पैसा गाछ से झारेम ते सब। मुहे देखी मोह लगे ना, ये हुना हो खिला
अर्जुन भैया अपन दर्द अपन दुख अपन तकलीफ केकरा के बताई। जौन सपना लेकर के आइल बानी इस सपना के तह जैसे भी साकार करके ही यहां से जाए ठान लेनी अपने मन में। हर रोज मेहनत करी, दो तीन महीना के बाद में 12-14 घंटा जितना ड्यूटी करे लगनी, पैसा भी महीना के ठीक ठीक निकले, घर पर पैसा भी बिठावे लगनी। अर्जुन भैया दिन बीतत गई और हम चट्टान के जैसन मजबूत होते गई नहीं, डट के खाई डट के काम करी, सपना रहे कुछ करके मलेशिया से घर के जाए के, घर के आवश्यकता पूरा करी, महाजन लोग के कर्ज चुकता करी, बहिन लोग के शादी की खातिर पैसा कमाई, 24 घंटा ई हमर के ध्यान में ही रहत रहले। अर्जुन भैया दिन बीतत गई बनिया पैसा कमात रहनी, एक दिन में 14-14 घंटा तक हम ड्यूटी कैनी, ड्यूटी पर से आवत रहनी, चटपट खाना बना के खाई सुत जाई, फिर उठी नहा धोवा के ड्यूटी के चल जाई। नेपाल के और भी साथी लोग वो कंपनी में रहनी, वहाँ लोग जब हमके देखत रहनी तो ये कहत रहनी कि अरे केशव थोड़ा रेस्ट कर, हेल्थ बिगड़ जाई बेटा, बीमार पड़ जाइब और फिर समस्या हो जाई तो के। हमको नहीं देखा चाचा, इतना हमसे हो सका था। अरुण भैया मजबूरी इंसान के मजबूत बना देवेला, ये चीज हम बचपन में ही महसूस कैनी कि मजबूरी इंसान के मजबूत बना देवेला। अरुण भैया काम प्रति इतना लगाव रखनी कि संडे के दिन भी हम कंपनी में काम करे के खरे चल जात रहनी, संडे के भी काम करी, संडे के दिन के भी अच्छा खासा पैसा कमा लेत रहनी। लगभग 60,000 के हर हारी में सैलरी उठावी हम। दिन बीतत गई महाजन लोग के कर्ज सब चुकता कर देनी, महाजन लोग के सभी कर्ज चुकता हो गई, चुकता करे में लगभग 1.5 साल जितना हमके टाइम लागल, 1.5 साल के बाद में पूरा लोन चुकता हो गई। अर्जुन भैया और फिर दिन बीतत गई और हम के सब धीरे धीरे परिवार के बारे में सोचत जाई। कुछ दिन के बाद में लगभग विदेश गईला के 2 वर्ष के बाद में एक और हमसे छोट बबी के शादी करे के खातिर बाबूजी बात चलावे लगनी और कहनी कि केशव का बाटे कि बेटा बबी के शादी के बारे में सोचता नहीं, ऐसे भी बबी अब बड़ हो गई बाड़ी, तोहर का ख्याल बाटे? हम कहनी बाबूजी अपने के मर्जी, जैसे रउआ चाही रउआ जे भी करे बढ़िया ही करे। अर्जुन भैया और फिर शादी के ठीक ठाक सब हो गई,
हम भी कुछ पैसा बचावे लगनी और लगभग कुछ दिन के बाद बाटे हमनी की कंपनी में ही एक लड़की जोन की नेपाल के ही रहली पहाड़ी समुदाय के दीक्षा और दीक्षा भी कुछ दिन भल रहे ओकरा हमनी के कंपनी में आईला मलेशिया में आईला। अर्जुन भैया दिन बीतत गई और दीक्षा से हमनी के नजदीकी बढ़ते गई। दीक्षा भी कहत रही कि हमी सब जना नेपाली मिलेर बस्नु हमी एउटै देशबाट आएका छौं र हमी सबैको पछाडी एउटा सपना छन्। अर्जुन भैया हमरा ई पता न रहे कि इतना सुंदर मीठ बोले वाली लैकी और इतना सुंदर विचार रखे वाली लैकी बिहान के दिन में हमने की जिंदगी के उजाड़े की एक जड़ बन जाई। गांव के सीधा साधा लैका एक सुंदर लैकी के देखला के बाद में स्वाभाविक रूप से हम कहीं ना कहीं से थोड़ा भाग गल रानी और अर्जुन जी उ लड़की हमके पसंद लागे लागल रही। हमके मन करत रहे कि ओकरा से कुछ बात करी और वो भी हमसे बात करत रही। अर्जुन जी दिन बीतत गईल और फिर हमनी के नजदीकी बढ़ते गईल। दीक्षा के पूरा नाम सदीक्षा रहे लेकिन प्यार से हमनी के ओकरा के दीक्षा कह के बुलाई जा और दीक्षा के व्यवहार हमके बहुत बढ़िया लागत रहले। सुंदर भी रहली सुशील भी रहली और मिलनसार भी रहली। सदीक्षा से हमर नजदीकी बढ़ते गए और मन करे कि ओकरा के साथ कुछ समय बिताई ओकरा पास रही बातचीत करी। अर्जुन जी इतना खूबसूरत रहली ओकरे खूबसूरती पर हम गांव के सब लुभा गईनी। मने मने सोचत रहे कि एकरा के इजहार कर दी प्रपोज करी। ऐसे बहुत सारा कंपनी में बहुत केहो रहनी। हम सोची कि अगर हम नहीं की प्रपोज करो तो केहू और से न कहीं एकर बात आगे बढ़ जाए। हमरा प्रतिस्पर्धा जैसे लागत रहे कि अगर हम प्रपोज नहीं करत हम प्यार के इजहार नहीं करत तो शायद कहीं हमरा हाथ से सदीक्षा निकल जाएगी। जाना बड़ू अनमोले
छुड़ाना तो सर जाना ना ये जाना बड़ुवने मोले आई संखजा। अर्जुन भैया, हम काव के प्रपोज करी सदीक्षा खुदे हमसे कहली कि सब मसंग दोस्ती कर रहे। हम कहने की हम तो कब के रुआ के दोस्त मान ले ले बनी। हम तो कबे से रुआ के दोस्त जीन माने नहीं का अपने के नहीं के जानकारी गली मलाई था थे न। हम एउटा राम्रो मित्र छौं। हम कहने हाँ जी मैडम एकदम हमने के तन बढ़िया मित्र हैं। अर्जुन भैया अब और लोग से हमर और सदीक्षा के बीच में कुछ ज़्यादा करीबी रहे। साफ साफ हो गल रहे कि सदीक्षा के हम ही पाए और लोग सिर्फ प्रक्रिया पुगे केहू ओकरा से बात करे। कंपनी के कौनो स्टाफ हमके बहुत ही दुख लागत रहे। भारत के नेपाल के तकरीबन हमनी के 40 से 50 आदमी रहनी और जब के वो दीक्षा से क्यों बात करत रहे हमके बड़ा दुख लागत रहे। हम सदीक्षा के कही कि देखो दीक्षा तिमी सबैसँग कुरा नगर्नु मतलब नेपालीमा ओकरा से बात होकत रहे भोजपुरी ना बुझत रहली और समझैला के बाद में भी वो बात ना मानत रहली और धीरे धीरे हम गुस्सा करे लगनी दीक्षा से। एक दिन के बाद बाटे वो सप्तरी जिला के एक लड़का विनय जी से बात करत रहनी। ओकरा बाद में हम गुस्सा करके सीधा रूम पर आ गनी। रूम में अला के बाद में दीक्षा रूम में गईली और पूछली कि ना आज छोड़े रहा है मलाई। हम कहनी कि मलाई तिमीसँग कुरा गर्नु छैन किन त्यो विनयसँग कुरा गर्दै थियो तिमी और वहाँ के कले कि होइन यस्तै साथी हो साथी जस्तै कुरा गर्दै थियो अनि मैले उसले सोधेको कुराहरूको जवाफ दिँदै थिएँ। अर्जुन भैया ऊ इतना खूबसूरत रहली कि हम का गए ना कही कतबिया रिसाउनु भएछ मसँग सॉरी अबदेखि बोल्दिन। हम कहनी कि हेर्नुहोस् दीक्षा के छ कि एउटा कुरा भन्नु छ मलाई तिमीलाई। हम बहुत दिन से सोचत रहने कि कब ऐसा मौका आई कि मौका में हम चौका मारे अपना दिल के बात दीक्षा से शेयर करें और इस बढ़िया समय हमरा कबो मिलने ना रहे। खुद रूम में रह ली हमके और हम कहनी कि एउटा कुरा भनु तिमी बुरा तो मान्दैनु नि। सदीक्षा कहली कि के छ साथी आधामा के को बुरा भनु न। अर्जुनजी दीक्षा के हम प्रपोज कर देने म तिमीलाई धेरै माया गर्छु म चाहन्छु तिमी सँगै जिन्दगी बिताऊ। अरे सदीक्षा मुस्कुराए लगली
मुस्कुराए लगली। हम कहनी कि दीक्षा रियली आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू। दीक्षा भी कहली कि ठीक छ म तपाईसँग बिहे गर्न तयार छु, म पनि तपाईसँगै बाँच्न चाहन्छु। आरजे रुन्जी बहुत ही खुशी लागल। ओ दिन त हमरा खातिर ऐसा लागत रहे जैसे कि जिंदगी में इससे ज्यादा खुश हमरा खातिर कबो वक्त आइल ही ना रहे। एकदम धरती में हमर पैर ना रहे, हमर टांग आकाश में, मन चिरे नियन उड़त रहले। बहुत ही खुशी लागत रहे कैसे कि हमरा खातिर ओह दिन सदीक्षा से ज्यादा सुंदर लड़की और परफेक्ट के वो और रहले ही ना रहे। अर्जुन भैया हमरा लगे कुछ पैसा रहे, पैसा सब सदीक्षा के बहुत ऐसा डिमांड सब बढ़ते गई, हम पूरा करते गई नहीं काम पर धीरे धीरे अब्सेंट करे भी लगनी। हमरा ऐसे लागत रहे जैसे कि हमर जिंदगी ही बाड़ी दीक्षा, ओकरा बगैर दुनिया फीका फीका सा लागत रहे। एक बार सदीक्षा के मुस्कान देख लेत रहनी, एक अलग ही जोश, एक अलग ही माहौल हमरे अंदर फील होकत रहे। ये प्यार भी है नु आरजे रुन भैया, इंसान के पागल बना देला। मन करत रहे सारा दिन ओकरे साथ में बिताई, काम जाए भाड़ में, बहुत ही खुश। जिंदगी में इतना खूबसूरत दिन तो हमरा खातिर कबो आयल ही ना रहे। एकदम उत्साह उमंग में ही दिन बीत जात रहले। नया नया प्यार भइला पर असे ही होला शायद आरजे रुन भैया। रात के भी हमनी के चैटिंग करी जा, फोन पर बात करी, व्हाट्सएप से घंटों घंटा। बाबूजी के फोन आवे बाद में, बाबूजी के गए, बाबूजी कंपनी के मैनेजर फोन कइले बानी, हम बाद में बात करत नहीं रहुआ से। बाबूजी रास्ता देखते देखते सूत जात रहनी, रात के आधा रात तक बात करत करत दीक्षा से रात के अबेर करके सुतत रहनी। फिर सुबह से ही गुड मॉर्निंग हेलो हाय शुरू हो जात रहे। बाबूजी पूछत रहनी के सब का समाचार बा बेटा, राति फोन ना कैल हम का। बाबूजी कंपनी के मैनेजर से बात करत रहनी, हम कनी रहुआ सूत गई हो के मोई से फोन ना कैनी। बेटा काथी हनु कि बबिया के पाहुना लोग आवे वाला बानी, कुछ पैसा भेज देना। हम कहनी कि ठीक बाबू जी। अर्जुन भैया
हमर बहुत पैसा खर्चा हो गल रहे और लगभग खाता में 1.5 लाख जितना रुपया रहे, वो में से 50,000 जितना घर पर भेज देनी और मलेशिया में ही दीक्षा से शादी करे के खातिर वहाँ के साथी लोग हमके प्रेरित कहनी और कहनी कि अरे यार जब तोनी की इतना बात बढ़ी गई बाटे तो शादी कर लोगी। ये बात सदीक्षा तक पहुँचा, सदीक्षा भी शादी करे के खातिर तैयार हो गई। बाबूजी के याद बिल्कुल ना आए, मन में आवत रहे कि बाबूजी से पूछी, फिर हम कहें कि बाबूजी के कहम तब कहीं रुक दी और जिकरा कारण से हम बाबूजी के भी अपना शादी के बारे में ना कह के बिना जानकारी के मलेशिया में ही दीक्षा से शादी कर लेनी और सभी पैसा के अपना दोस्त लोग में मलेशिया के और कंपनी के साथी लोग में पार्टी कर देनी। अर्जे रोंजी, ये जिंदगी में कब कहां पर कैसन मोड़ आ जाला इंसान के कहां पता रहेला, कुछ पता ना रहेला। अपना बहिन के शादी से पहले हम खुद के शादी कर लेनी मलेशिया में। और फिर कंपनी में भी एब्सेंट करे लागनी, ओकरा बाद हर हमेशा मैनेजर से छुट्टी ले ली। कबो पेट दुखाता, कबो सर दर्द करता, ऐसा बहाना सब हमरा खातिर नॉर्मल बात हो गई रहे। हम सदीक्षा साथ साथ रहे लागल रानी, खर्चा बढ़ गई, आमदनी पहले के तुलना में कम हो गई। बाबूजी भी अब घर से फोन करत रहनी, माई भी फोन करत रहनी और हरदमन ये पूछत रहनी कि कैसा रे, आजकल तोर पैसा के का हो जाता, नइखी भेजावत रे, काम नहीं चलत का। हम कहीं बाबूजी का बटे नु, ये घड़ी काम नहीं चलत, कंपनी में कामे नहीं खे। बहन के शादी के दिन भी नियर लागल रहे, बाबूजी पैसा के खातिर हमसे पूछत रहनी बार बार, बाबूजी पर हम गुस्सा करी, क्या बाबूजी पैसा पैसा सुनत नहीं कि यहाँ पर काम नहीं खे चलत और कोनो गाछ यहाँ थोड़ी ना बाटे पैसा के कि ओकरा के झाड़ के गिरा दी आ खाता में राउर डाल दी। हर से भैया बाबूजी भी हमके अब उतना ठीक नहीं लागत रहनी, पैसा के खातिर फोन आई लोई, जब को वो भी बाबूजी के फोन आवे फोन भी ना उठाई, कैसे कि हमके प्यार करे से फुर्सत ही ना रहे दीक्षा से। बाबूजी कबो कबो हमर हाल खबर जाने के खातिर माई बाबूजी सब लोग फोन करत रहनी, इतना तक भी हमर दादाजी भी हाल खबर पूछे के खातिर।
वह लोग के फोन आते में हम कैसे लागत रहे जैसे कि हो ना हो हमसे पैसा ही मांगी लोग। अर्चरण भैया झूठ बोले के हमरा खातिर था सामान्य सा हो गल रहे। परिवार के लोग से बात करे के मन ना करत रहे कहीं ये लोग पैसा ना मांगे। बहन के शादी नियर आ गई और फिर बाबूजी कहनी कि बेटा अगर काम नहीं चला तो ऐसे कर तू गांव के चला बो ऐसे भी तोहर 3 वर्ष अब पुगे वाला बाटे तू गांव के आजा बेटा तोहर वीसा के डेट खत्म हो गए। अब कहनी कि बाबूजी कुछ दिन और रह जाता नहीं का बिगड़ता कुछ दिन और रह जा दी हमरा शादी के बारे में घर के लोग केहू कुछ भी नहीं जानत रहनी। पैसा जो हमरा लगे रहे वो पैसा सब दीक्षा के खाता में डाल देते रहनी और दीक्षा अपना घर के पिठा देते रही हमर पैसा और वो अपन पैसा। दिन बीतत गई बहन के शादी बहुत करीब में रहे बाबूजी कहनी कि पाहुन लोग पैसा के खातिर अब बहुत जोड़ करा था बेटा का करी। हम कहनी बाबूजी हमरा लगे कुछ पैसा बा 1 लाख जितना और फिर से हम जमा उतना कर ले रहनी पैसा के पिठा देनी। बहन के शादी भइल कुछ लोन वगैरह लेके अब जितना पैसा हम कमाई जाई लगभग हमर पैसा सब खर्चा में उठल जात रहे सदीक्षा वो अपन पैसा अपना घर के पिठा देते रही। आर जरून भैया दिन बीतत गई प्यार के नशा में नशाइल रहनी हमरा कुछो समझ में ना आवत रहे। कुछ कुछ पैसा हम घर के पिठाई सदीक्षा हम पर गुस्सा करत रही कि न पठाए को होती में घर पैसा जबकि हमर कमाईली पैसा सब खर्चा कर देते रही शॉपिंग से लेके घर खर्च से लेके हाबी जाबी सब खर्च हो जात रहे खान पीन से पैसा बहुत कम बचत रहे वो भी पैसा घर के हम पेठाई तो सदीक्षा हमरा उल्टे झाड़ के बोले डांट के बोले। हम कहनी कि भाई का लेकी अपन पैसा घरे पेठा देवेली और हम भेजता नहीं तब गुस्सा करती या हम कहनी कि चलो चलो भाई कोनो बात नहीं है कोनो बात नहीं है सतीक्षा हमर जिंदगी बाड़ी घर वाली बाड़ी अर्जुन भैया ये प्यार के चश्मा इंसान जब पहन लेवे लनो तो ओकरा चश्मा के हिसाब से ही दिखाई पड़ेला हमके हमर गलती कबो महसूस ही ना होगे जौन चीज आज महसूस होकेला वो वक्त ये चीज कबो महसूस ही ना भइल हमके। दिन बीतत गई थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा में से चुरा छिपा के लुका के अपना बाबूजी के भेज दी। बहन के शादी भी हो गई उकरा बाद में 3 वर्ष के बाद जब भी हम पैसा कमाई सब पैसा लगभग दीक्षा में ही खर्चा हो जाते रहे बाँचल खुचल पैसा दीक्षा खुद के अपना खाता में डलवा देते रही और वो अपना घर के पिठा देते रही। अर्चरण भैया दिन बीतत गए बीतत गए लगभग 4.5 वर्ष जितना दिन बीत गए मलेशिया में बाबूजी हरदमन कहते रहनी कि सब घरे आशा
बाद में बाबूजी के फोन भी उठावे के हम बंद कर देनी। बाबूजी के नंबर बुलाओ कर देनी, महीना में एक बार कबो कबो बात करी। बाबूजी के कहीं बाबूजी कमाई नहीं के होकर पैसा नहीं के। बाबूजी कहत रहनी कि बेटा जब ऐसा समस्या बाटे तो तू ऐसे कर घरे के आजा। का कर तारा विदेश में बेटा? आरजे रुन भैया, बाबूजी हमरा बात पर विश्वास कर लेत रहनी जे भी कहीं, सब चीज के विश्वास। हकीकत ये रहे कि हम सब पैसा सदिच्छा में खर्च कर देत रहनी। कुछ पाचल खोचल पैसा वो भी ओकरे खाता में डाल दी, वो अपना घर के भेज देत रहनी। दिन बीतत गए, लगभग 4.5 वर्ष जितना बीत गए। एक दिन के बाद बाटे आरजे रुन भैया, जोन जिंदगी में अपना वो दिन कबो नहीं की भूल सकत। हम काम पर गले रहने, हमर डे ड्यूटी रहे और सदीक्षा के नाइट ड्यूटी। कबो हमर ड्यूटी डे चले, कबो ओकर डे चले। एक दिन कंपनी में गई नहीं और कंपनी में हम नाइट ड्यूटी रहे। वह दिन कहीं नहीं हमके भूमिटीसा होके लागा। भूमिटीसा जोर जोर से होके लागल, मियाज खराब हो चुकल रहे। और वो दिन हमरा कंपनी में जाए के भी मन नहीं करत रहे, लेकिन फिर भी गई नहीं। कंपनी में गईला के बाद में वोमिटी होके लागल और जेकरा कारण से वो दिन मैनेजर कहनी कि आज तुम चले जाओ रेस्ट करना, फिर कल से आना काम पे। अर्जुन रुन भैया जब अपना रूम में लौट गया हुआ था नहीं, जब अपना रूम में लौट गए तो हम देखनी कि सदीक्षा हमरे रूम में ना रहले। हमके बहुत बेचैन सा होके लगा। फिर हम ओकरा मोबाइल पर फोन भी कई नहीं, फोन ना लगा। बहुत बेचैन होकत रहे, क्यों कहाँ चल के ले, कहाँ बिया। बिहान भइल, बिहान भइला के बाद में हम इंतजार करत रहनी, खोजती रहनी। तभी सदीक्षा रूम में आली। हम कुन क्यारी, तू कहाँ रह लू रात भर सदीक्षा? वो कहली कि कहीं ना। हम कहनी तू सांच बोला, कहाँ रह लू? अरुण भैया वो बहुत बहाना बनैली, झूठ बोलली
और हमके झूठ फूस बोल के फुसला दे ली। हम भी गांव के सीधा सोझा लड़का दीक्षा के बाद मान गए नहीं, शंखा करे के छोड़ देनी। लेकिन हमरे मन में एक बेचैनी सा आवे लागल, एक बेचैनी आवे लागल कि कहाँ गेल रही। ये झूठ बोले रही कि हम सहेली के साथी हो, फलानो चिलानो डेमका को रूम आ गए थी, हमरो साथी हो पुटला ले ली। मन में शंखा आबत रहे, वही दौरान एगो साथी बिहार के रहनी, वहां के कहनी कि केशव यो सदीक्षा को व्यवहार मलाई त्यति राम्रो लाग्दैन, हम कहने कि यार ये बात हमके सप्तरी महोतरी के भी साथी लोग कहले रहनी, लेकिन उन लोग से हम झगड़ा कर ले रहे, गुस्सा कर ले रहे, सब लोग से बिगाड़ हो गए रहे। हमरे का मालूम कि दांग के लेके हमरे जिंदगी उजाड़ दी है। दांग जिला घर रह ली एक चूली में होकर, और फिर अर्जुन भैया दूसरा दिन फिर हम काम पर गए नहीं। लेकिन वो दिन काम पर न जाके एक साथी के रूम में रह गए नहीं, और देखे लग नहीं कि वो कहाँ जाती या कहाँ करती है। जितना साथी लोग हमके सदीक्षा के बारे में गलत गलत पहले बात कर ले रहनी, जितना लोग से हम बिगाड़ कर ले रहनी, सभी साथी लोग पर हमके विश्वास होके लागल रहे। और सच्चाई के पता लगावे के खातिर हम ओकरा पीछा पड़ गए नहीं कि ये कहाँ जाली आ का करेली, एकरा बारे में तो जाने के पड़ल। जोना लेकी के हम धर्म पत्नी माने नहीं, जेकरा खातिर पूरा दुनिया के छोड़ देनी, इतना तक कि अपने बाबूजी के परिवार के छोड़ देनी, लेकिन हमसे शायद धोखाधारी कर दिया। होए ना होए, जितना भी हमारे साथी लोग एक बारे में बतैले रहे, उन लोग शायद सही बतैले रहे। अर्जुन भैया रूम में से हम ऑफिस में कंपनी में जाए के खातिर निकल गए नहीं, और कंपनी में ना जाके हम ये देखत रहने कि दीक्षा का और काथी करेली। अर्जुन जी रोते ना, हम वो चीज देखनी जो चीज अपने के हम बता भी नहीं सकते। एक लड़की शादी करके हमरा जैसन एक साधारण सीधा गांव के देखा के केहू ठोकर दे दी, धोखाधारी करी, ये तो मान भी नहीं सकत, सोचने भी ना रहनी कबो। अर्जुन जी पता चलल कि वो लड़की पैसा लेके वो काम करे नहीं जो हमने कबो सोच भी नहीं की सकत, इतना घटियापन काम कर सकती है। सदीक्षा के पकड़
बहुत पिटाई गई नहीं हम। पिटला के बाद में ओकरा के मारपीट कैला के बाद में पुलिस के फोन कर देली। पुलिस अहिले हमार बात की एक बार भी पुलिस ना सुनत रहे, लेकिन एगो बात हमके कहली जो बात अपने जिंदगी में कबो नहीं की बोल सकत आरजे अरुण जी। तिमी संगै बस्दाखेरि तिमी आफ्नो पत्नी मानियो, म त कहिले पनि तिमीलाई आफ्नो हस्बेन्ड मानेन। म उता पनि बस्थे, तिमी सँगै पनि बसे। के को पत्नी, के को पति, के को हस्बेन्ड, के को वाइफ? तिम्रो मंगलसूत्र लिएर तिमी जेलमा जा। अर्जुन भैया, सच्चा दिल से प्यार करे वाला के ऐसा सिला मिल सकता का? जो लड़का कौनो लड़की के जान मानत होके और बदला में ऐसे बेवफाई करे, ऐसे हो सकता का? अर्जुन भैया, और फिर मंगलसूत्र तोड़ के बिक देली, और हम मलेशिया के जेल में लगभग 6 दिन जितना रहनी, 6 दिन के बाद में छूट गए नहीं। छूट गए इलाके बाद में पता चला साथी लोग के माध्यम से कि वो तो सिर्फ टाइम पास करे के खातिर रही, ओकर संस्कार ही वह है, वो बेवफा लेगी। ओकर संस्कार ओकर रिवाज ही हुआ। दिल टूट गए रहे, ये डुप्लीकेट विवाह शादी भी चाइना के जैसन हो खेला। हमर शादी चाइना कंपनी के माल जैसन हो गई अर्जुन भैया। विश्वास ना हो खेला कि जोन लड़की लगभग 1 साल जितना हमरे साथ में रहली वो हमके धोखा देती है, वो हमके ये बता सकती है कि सब टाइम पास रहेगा के। अर्जुन भैया, दिल टूट के सकना चूर हो गए। मन ना करत रहे कि हम, मन ना करत रहे कि हम जिंदगी जी, मन कर ही दुनिया के जोड़ दी का करी, कुछ समाज में बिल्कुल नहीं आवत रहे। बाद में सिराह सब तरीके साथी लोग रहनी, वहाँ लोग कहनी के सब, अरे तू नया नया एज के लेके बारा, तो के तुम पहले भी कह ले रहनी बेटा ये लड़किया से बच के रहा, ये लड़किया डुप्लीकेट ही है। लेकिन तू तो बेटा प्यार में डूबल रहला, अब कहता रहा कि
अब कहता ना कि हम सुसाइड करें। अरे याद कर घर के अपने माई बाप के, याद कर अपने गांव के, जो ना गुआ में तोहरे माई बाप तोहरे रास्ता देखत हुए। बेटा अरे जिंदगी सुने हो, आई पढ़िया लड़की जे बिया नो ये लोग ऐसा ही टाइम पास करे ले। हमनी मदेसिया लोग से लोग के कहाँ संस्कार संस्कृति मिलेला बेटा, कि तू लव मैरिज कर रही ल कनी। सूरज भाई जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई यार। इतना सुंदर लड़की, इतना दिल की कला हो सके थी यार, इतना घटिया, इतना खच्चर हो सके थी यार, हम तो कब सोचले भी ना रहे। अब क्या करी, कुछ समझ में नहीं गया, बहुत काम भी करे के मन नाला करत रहे। अर्जुन भैया लेकिन घर में एक और बहिन हमर शादी करे के खातिर तैयार रहली, कुछ दिन में ओकर भी शादी करे के पड़े। पता चलल कि दादाजी हमर स्वर्गवास हो गए नी। स्वर्गवास हो गए नी हमर दादाजी। बाबूजी फोन करनी जानकारी भाई कि हमर दादाजी अभी दुनिया में ना रहले। अर्जुन भैया हम परदेसी जीवन के सब कुमार, का करी कुछ समझ में ना आवे भैया कि हम का करी ना करी। कबो कबो तो हमके खुशी भी लागत रहे कि हमरा जैसन लड़का के ऐसन के सजाए मिले के चाहे, इस सजाए वो लड़की हमके ठीक देले भैया। अपने आप कबो कबो तरस भी आवत रहे लेकिन का करे भैया, जिंदगी में अनेकों मोड़ आवेला इंसान के, और ओकर सामना तो करे के पड़ेला। ओकरा बाद सूरज भाई, विजय जी, ये सब हमर साथी लोग रहनी मलेशिया के, और वहाँ लोग बहुत समझेने कि भाई जौन दिन बीत गईल बीत गईल, अब आज से तोरा के बनिया करे के बाटे और परिवार के खातिर करे के बाटे। कम कहनी भाई हमर ऐसे भी बहुत दिन बर्बाद हो गई बाटे। हमर बहुत समय बर्बाद हो गए, साढ़े चार पांच वर्ष रह के भी मलेशिया में हम कुछ ना कर सकनी। अर्जुन भैया फिर धीरे धीरे हम काम पर मन लगावे लगनी, घर में गांव याद आवे लागल रहे। गांव याद आवे लागल रहले और गांव के घर के बारे में सब चीज हम चाहत रहनी कि कुछ कमा ली परिवार के खातिर। जौन लड़की हमके छोड़ देली ओकरी याद करके मरला से निमन बाकी के जीवन बढ़िया बितावे के खातिर माई बाप के खुश रखे के खातिर अब काम करे के पड़ी, और हम काम करें।
और हम काम करें और काम करे के खातिर हम धीरे धीरे मन लगावे लगनी काम प्रति इंटरेस्ट बढ़े लागल। दिल में तो घाव रहे यार चरण भैया, लेकिन ये घाव दिखाई तक एक रस है कुछ कंपनी के साथी लोग मजाक समझत रहे, कुछ साथी लोग जिसका होत रहे, लेकिन क्या करे, लेकिन क्या करे अर्जुन भैया, हर केहू के सुने के पड़ेला। जैसन कैनी वैसन भोगे के तब पड़बे करी। माई बाबूजी की हर बात याद आवे कि बेटा विदेश में जाता रह तो बढ़िया से काम करिया। मन लगा के काम करिया, ये परिवार के याद रखिया, ये परिवार के याद रखिया और फिर बढ़िया से मन लगा के काम करिए। जब जब याद आए हमने के तब फोन कर दिया। अर्जुन भैया, जैसे ही हमर मन काम प्रति लागल, दो महीना जितना हम काम कैनी ओकरा बाद सच में कंपनी में समस्या हो गई। कंपनी बंद होके के अवस्था में आ गए। लगभग 5 वर्ष जितना भइल कंपनी में काम ही ना मिले, 8 घंटा से ज्यादा काम ना मिले। कंपनी की अवस्था बंद होके वाला हो गई। और फिर हम गांव में आ गए नहीं। मलेशिया से 5 वर्ष के बाद में गांव में नहीं। पता चलल कि दादाजी बितनी जकरा काम में क्रियाक्रम में महाजन लोग से कुछ पैसा लिया लो एक बाटे, अपना लगे जो पैसा रहे वो पैसा कर्ज में दिया गए। अर्जुन भैया, गांव में गईला के बाद भी बिल्कुल मन नहीं लागत रहे। बहुत ही पछतावा होकत रहे अपने आप पर। व्यवफा के याद भी सतावत रहे और अपने आप पछतावा भी आवत रहे कि काश जो ना तरीका से हम 2-2.5 वर्ष जितना काम कैनी शायद वही लेखा काम करते रह जाती। आज हमरा घर के हर चीज बदल कर रहे थे। आज भी घर में पानी पड़ेला तो घर के सभी बर्तन चुहाट पर रखे के पड़ेला। तौली तसला छिपा लोटा मजबूरी, गांव में ही घर में रहे के पड़ेला। शर्म आवेला अपने आप आरजे रंजी। कि हम माँ बाप के विश्वास के जज्बात के एक बार भी बिना सोच ले खेल देनी। सच्चाई हमरे परिवार के लोग के पता ही नहीं है। बहुत कुछ
बानी हमर माई बाबूजी कि हम सही सलामत विदेश से गांव आ गए नहीं। बाबूजी के खातिर हम ही बहुत बड़ा धन है। आरजे रुंजी लगभग 3.5 लाख जितना रुपया वो बेवफा हमसे ले ले रही। 3.5 लाख अगर पैसा हो गए तो आज हम घर भी बना लेते, लेकिन घर भी नहीं बना सकत अपना देश में आके बेरोजगार बानी। पढ़ल भी नहीं की, 8 क्लास पढ़त रहनी तभी मलेशिया चल गए नहीं। एज बढ़ा के बाबूजी पासवर्ड बना देने, नागरिकता पासवर्ड बनल 15-16 वर्ष के उम्र में उड़ गई नहीं। अर्चरण भैया ना पढ़े सकनी और ना ही था कुछ करे सकनी, ना पढ़े सकनी और ना ही था कुछ करे सकनी, यह है जिंदगानी। फिर गांव में हम का करी, ना कोनो काम मिलत रहे ना केहू काम देत रहे। माई डिप्रोक्स में रह के डिप्रोक्स बैंक से 3 लाख रुपया निकाल के देने, और कली की बेटा एगो किराना दुकान खोला, ये दुकान से लही बढ़िया से और ये दुकान के चलाओ परिवार चलावे खातिर दुकान चलावे के परी दो के। अर्चरुण भैया एक छोटा सा दुकान बाटे हमर गांव में, और उसे दुकान चलावीला अपने के रेडियो के कार्यक्रम सुनीला, कार्यक्रम जिंदगानी बहुत ही अच्छा लागेला। हमरा जैसन गलती केहू भाई केहू भैया ना करे विदेश में, अपने के कार्यक्रम विदेश में भी बहुत लोग सुनेला, बहुत लोग अपने के कार्यक्रम सुनेनी। अर्जे रन भैया वो सभी सभी परदेसी भैया चाचा लोग से दोनों हाथ जोड़ के अपने के कार्यक्रम के माध्यम से रिक्वेस्ट करे कि वहाँ लोग हमरा जैसन कब गलती ना करे, जो गलती कहनी ये जिंदगी भर हम भोगत रहे। वो लेकिन हम के घर के छोड़ ली ना घाट के, लेकिन बाद में अपने तो अपने ही होला। जोना के जीवन समझनी वह हमर जिंदगी के सबसे बड़ा कांटा निकल गई। बहुत बहुत धन्यवाद हमर कार्यक्रम पढ़ देने जिक्रा खातिर आरजे रुन भैया। आदरणीय श्रोता मित्र आज के कहानी हमने के समाप्त हो चुकल बाटे। आज के कार्यक्रम में हमने के केशव कुमार जी के लव स्टोरी कार्यक्रम के माध्यम से सुनैनी है। कैसा लागल आज के कहानी? ई कहानी के बारे में अपने सब कमेंट्स में लिख सकतानी, साथ ही साथ अपने सब मैसेज भी भेज सकतानी। कुछ श्रोता लोग से हमनी के फ़ोन पर भी बात करें, 9803-6503 हमनी के स्टूडियो नंबर खुला करतानी। इस नंबर के माध्यम से कार्यक्रम में सहभागी हो सकतानी। यदि रउआ पूरा कार्यक्रम सुननी है तब पूरा कार्यक्रम सुननी है तो हमनी के कार्यक्रम में फ़ोन कर सकतानी 9803-6503। हमनी के केव श्रोता रहनी है, फोन कट गई बाटे। हेलो नमस्कार, अपने के बगल में रेडियो बजता, साउंड कम करके बात करी अपने। हेलो अपने साउंड कम करी, माफ करें अपने के फोन काटा था नहीं। हमनी के काफी मैसेज सब प्राप्त भइल बाटे ऑनलाइन के माध्यम से भी। नमस्कार। हेलो नमस्कार।
जी अपने के बगल में रेडियो बजाता, साउंड कम करके बात करी ना। नमस्कार। कहाँ से के बोला था नी अपने? हम गौतम नगर पालिका से अमलेश कुमार। अमलेश कुमार जी। अमलेश कुमार अनुज जी। अनुज। अनुज जी कब से कार्यक्रम सुनता नी अनुज जी अपने? 9 बजे से। पूरा कहानी सुननी है? का कहे के चाहता नी अनुज जी? ये चाहते सर कि इसमें गलती ना करे, कई गलती हम जब तक रहे तब तक बतावल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने के विदेश से भी कुछ श्रोता लोग से हमने के फोन पे बात करें, मलेशिया में जो भी श्रोता लोग सुना था नहीं अपने सब व्हाट्सएप के जरिए फोन करी रउआ लोग से बात करें। आज की कहानी विदेश के ऊपर केंद्रित रहा था। अपने के बगल में रेडियो बजाता सर, रेडियो के साउंड कम करके बात करी। हेलो सर, नमस्कार, स्वागत बा सर कार्यक्रम में। अपने कहाँ से के बोल था नहीं? कहाँ से बोल रहे हैं? नाम बताइए अपना। कौन शर्मा? विकी कुमार शर्मा। विकी कुमार शर्मा जी, कब से कार्यक्रम सुन रहे हैं आप विकी जी? सर, तुम शुरू से आपको कार्यक्रम सुन रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, आपको बहुत अच्छा लगता है। ओहो, माफ करें विकी जी, अपने लोग से रिक्वेस्ट करें नहीं कि बगल के रेडियो के साउंड कम करके बात करें, लेकिन वो लोग बात ना समझे नहीं, बड़ा दुख लागेला। नमस्कार। हेलो, नमस्कार, माफ करें क्यों श्रोता रहनी है, काफ़ी फोन मिला था लेकिन हमने के हड़बड़ाई मत, आराम से बात करी, बढ़िया से बात करें तो बात हो की। नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत बा सर कार्यक्रम में, परिचय बताइए अपन। हम नेपाल भारत मैथिली रेडियो श्रोता संघ के बिहार से आर्यन राज बोलत हैं। आर्यन राज जी, कब से कार्यक्रम सुनता नहीं आर्यन जी? बस 5 मिनट पहले। अरे 5 मिनट, पूरा कार्यक्रम ना सुनिए ना जी, अपने के जानकारी नहीं है पूरा कार्यक्रम के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार आर्यन जी, सहभागी भइनी जगरा खातिर। अगला कॉल जोरेम। नमस्कार। हाँ भाई, नमस्ते, स्वागत बा कार्यक्रम में, कहाँ से के बनी अपने? विकी कुमार दास जी, कब से कार्यक्रम सुनता नहीं विकी जी? स्टार्टिंग का कहे के चाहता नहीं, कैसन कार्यक्रम लागल? बहुत ही ट्विस्टी कार्यक्रम में रहा आज के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पसंद करें जिक्रा खातिर आवाज के और कार्यक्रम के। ओहो, नेटवर्क प्रॉब्लम बाटे शायद अपने के मोबाइल में विकी जी, थोड़ा सा अपने लोग कार्यक्रम में फोन करा था नहीं तो बगल अगल में अगल बगल में रेडियो बजा था, साउंड कम करके बात करें तो बात होगी। नमस्कार। हेलो, नमस्कार, फोन डिस्कनेक्ट हो चुकल बाटे। हमनी के मैसेज भी काफ़ी बाटे, मैसेज सबके भी हमनी के पढ़ेम। हेलो, नमस्कार, प्रणाम सर जी। प्रणाम, स्वागत बा सर कार्यक्रम में, कहाँ से के बनी अपने? जी दिल से धन्यवाद बा, समग्र मध्य श्रोता संघ श्याम नंदन प्रसाद पटेल जी। श्याम नंदन जी, कब से कार्यक्रम सुनता नहीं अपने श्याम नंदन जी? जी अपने के कार्यक्रम 9:10 से सुन रहा बने। ये कहानी सुननी है केशव जी के? जी जी सुननी, एकदम सुननी है। और हम कहे के चाहे कि जे रुआ लोग मतलब कि जे विदेश जाता नहीं, माई बाबू लोग कितना दुख तकलीफ करके भेजता नहीं और वो लोग जाता नहीं, तो वहाँ अच्छा से काम करी और ये सब चीज मत करी कि जे जमुना से रुआ लोग के सारी जिंदगी पछताए के पड़ल। अभी के जितना भी हमारे मलेशिया में आवाज़ सुनल बने हमारे साथे भाई लोग, आके हम एकदम दिल से दोनों हाथ जोड़ के हम ये बात कहन की जे रुआ काम करे गए बने, अच्छा से काम करे, काम करके अपना कर पड़ेंगे अपन
परिवार के साथ में अच्छा से जीवन बिताए हमार ये अनुरोध बा। चलिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। हमनी के कार्यक्रम में राजनंदन यादव जी कंटिन्यू दिस प्रोग्राम इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच राजनंदन जी, हमनी के प्रयास करम कंटिन्यू राखे के प्रोग्राम के। वैसा ही चंद्रकांत कुमार जी, नाइस प्रोग्राम अंकल जी लिख रहल बानी, गुड इवनिंग सर लिख रहल बानी, राजनंदन जी लिखतानी ओके ब्रो वेट बहुत कुछ लिख रहल बानी, नौशाद आलम जी लिखतानी नमस्कार आर जे रून भैया हम मलेशिया बानी, थैंक यू सो मच नौशाद आलम जी। वैसा ही हमनी के मैसेज में राजेश मुखिया जी भेलही से सुनतानी, नाइस प्रोग्राम बा। जगू कुमार आकाश जी लिखतानी नाइस सर। वैसा ही लक्ष्मी पटेल जी नाइस लिख रहल बानी। अशोक पासवान जी लिखतानी भैया लाल दुपट्टा मलमल फिल्म के गाना सुना दी। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत बा कार्यक्रम में, कहाँ से के बानी अपने? धनेश गिरी जी बहुत बहुत स्वागत बा कार्यक्रम में, कब से सुनतानी कार्यक्रम अपने? पुराना सुने पैनी कहानी रहल आज वैसे कहानी वाला कार्यक्रम बाटे और नहीं कि सुनने तो अपने के पूरा चीज जानकारी भी नहीं के। चलिए सर धन्यवाद, कोनो बात नहीं के, आए वाला दिन समय कार्यक्रम से सुने। नमस्कार। आदरणीय श्रोता, वैसा ही हमनी के कार्यक्रम में विशाल कुमार गुप्ता जी नाइस प्रोग्राम आरजे अरुण सर लिख रहल बानी, मंटू कुशवाहा जी भेरी नाइस अरुण भैया सुपर प्रोग्राम लिख रहल बानी, मंटू जी भेरी नाइस लिख रहल बानी, आर्यन राज जी लाइक कर रहल बानी, अनिश राज ठाकुर जी भी सुन रहल बानी। हेलो नमस्कार। लिखतानी कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया, अजीब सिलसिला है जिंदगी का ए मेरे दोस्त, कोई भरोसा के लिए रोया और कोई भरोसा करके रोया। आशीष राज ठाकुर जी के शायरी रहल। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत बा कार्यक्रम में अपने के, कहाँ से के बानी सर? बीरगंज बिश्वर से राजेश कुमार। राजेश कुमार जी कब से कार्यक्रम सुनता नहीं अपने राजेश जी? 9-10 से सुन रहे सर। पूरा कहानी सुनी है? जी सर जी, आज व्यक्ति विशेष कार्यक्रम रहल और राजेश हमने के केशव जी के स्टोरी पढ़नी है। जी सर। कहाँ कह के जाता नहीं, कैसा लागल है वहाँ की स्टोरी? स्टोरी तो अच्छा लागल, लेकिन वहाँ का अच्छा काम नहीं की कहले। जी 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 जी, जब परिवार के मतलब बाहर बुक के गए नहीं, वहाँ दूसरे काम कर देने। जी जी जी, ना करके चाहे जैसे कि वहाँ के दो अढ़ाई वर्ष तक जितना बहुत बढ़िया काम कही नहीं, ओकरा बाद में ट्रेक से बाहर चले गए। धन्यवाद राजेश सर, नमस्कार। पुराण कुमार पटेल जी लिख रहल बानी, गुड। संजीव कुमार यादव जी बहुत अच्छा प्रोग्राम बा सर लिख रहल बानी, वो सही। हमनी के मंटू कुशवाहा जी आँख से आंसू गिरा रहल बानी, आर्यन जी ऊ लड़की लूट के चल गईली लिख रहल बानी, पूरन कुमार पटेल जी इंतजार की आरजू अब खो गई है, खामोशियों की आदत अब हो गई है, ना सिखवा रहा ना शिकायत किसी से, अगर है तो एक मोहब्बत जो इन तन्हाइयों से हो गई है, लिख रहल बानी पूरन कुमार पटेल जी। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। जी, स्वागत बा कार्यक्रम में, कहाँ से के बनी सर? धन्यवाद, हम मुकेश प्रसाद सा बहुत समय नगर पालिका वार्ड नंबर 2 पे है। कब से कार्यक्रम सुनत नहीं मुकेश सर? शुरू के नहीं तब से। क्या कहे के चाहता नहीं? हम तो ये कह के चाहता नहीं, घटना सुन के कितनी खबरी कहानी सुनता तरफ कर नींद ना आई। क्या शिक्षा मिलल है कहानी से? बहुत श्रोता लोग अभी विदेश में बानी, कहानी सुन के ये शिक्षा मिलल ना, एक बार केहू के ऊपर इतना विश्वास ना करेगा कि एक गलती से पूरा जिंदगी तबाह हो जाए। विश्वास के साथ साथ शंका भी करेगा पड़ल। हाँ, विश्वास के साथ साथ ओकरा हर काम पर निगरानी रखे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई, नमस्कार। विशाल कुमार गुप्ता जी भी लिख रहल बानी, भेरी नाइस प्रोग्राम आर जे अरुण सर। शामीम अंसारी जी हॉट टॉसिंग प्रोग्राम भैया बेतिया बिहार से सुन रहा हूँ। अनिल चौहान जी लिखतनी हाय नमस्ते अरुण दाई, नमस्ते अपने के भी। वैसा ही हमने के काफ़ी मैसेज सब बाटे, लास्ट कॉलर से बात करें, कहा से कि पौने 11 हो गई, अब हमने के विदा मांगे। नमस्कार। नमस्कार।
स्वागत बा कार्यक्रम में अपने के सर, कहाँ से के बनी अपने? आदित्य प्रसाद कुशवाहा जी सर। कार्यक्रम कब से सुनता नहीं है आदित्य जी? 9:10 से सुनी जी। जी काथी कहे के चाहता नहीं, आज हमनी के केशव जी के बारे में कहानी सुने नहीं है, कहाँ कहाँ पर यहाँ के मिस्टेक भइल बाटे, का शिक्षा मिलल है? ये कहे के चाहता नहीं, इतना परेशानी से जाई तरी कर्जा बुक के विदेश जाई तरी ऐसा गलती ना करे के चाहे, जितना भाई सरुता गेल बड़न विदेश भी घरे बरन ऐसा गलती ना करे के चाहे, माई पापा के जीवन बनिए से जत्ती कमाई तरी जत्ती बचावे के पड़ल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, नमस्कार। हमनी के कार्यक्रम मंटू कुशवाहा जी भैया, मैं आपका प्रोग्राम पटना में सुनता हूँ, वैसा ही पूरन कुमार पटेल जी लिखतानी, हम कतार से सुनत बानी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोता लोग के। हमनी के कार्यक्रम से विदा मांगेम, लास्ट कॉलर से बात करेम, शिव पूजन जी कहतानी हेलो नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद अपने सब कार्यक्रम सुन के साथ देनी जेकरा खातिर। हमनी के फिर अगला कार्यक्रम में आयम अपने के पत्र लेके। हेलो, अपने अपने के बगल में रेडियो बजाता, साउंड कम करके बात करिए। आदरणीय श्रोता, काफ़ी मैसेज हमनी के मोबाइल पर भी प्राप्त भइल बाटे, मोबाइल पर भी लगभग काफ़ी मैसेज सब बाटे, लेकिन मोबाइल के मैसेज हम ना पढ़ सकें, फोन अब समय उड़ा गई बाटे कार्यक्रम के। हमनी के पढ़ के मनन जरूर करेम अपने के मैसेज, अपने के भी जिंदगी में ऐसा कोनो कहानी बाटे, तीता मीठा घटना बाटे, ओकरा के हमनी के साथ शेयर कर सकता नहीं कार्यक्रम में, मैसेज अपन चिट्ठी पठा सकता नहीं। चिट्ठी भेजे के खातिर हमनी के एड्रेस बाटे भोजपुरिया FM 92.8 MHz, और ये एड्रेस पर अपने अपन स्टोरी भेजम, अपने के स्टोरी हमनी के जरूर पढ़ेम अपने के रेडियो सेट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। समीम अंसारी जी लिखता नहीं, वादा था टूट गया, वादा था टूट गया, मन था भर गया, नशा था उतर गया, इंसान ही तो था बदल गया, बदल गया, इंसान ही तो था बदल गया। नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। अपन मिथिला महान यो, एहन भाषा ई संस्कृति कहाँ मिलत जान यो, ओ मतक स्वाद है बड़ सोवाद है, हमरा यो मीठा बहुत गाम के याद है, हमरा यो मीठा बहुत गाम के याद है, अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरिया FM 92.8। मोतिहारी का गौरव मनी हॉस्पिटल, एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर मनी हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीकी से विभिन्न प्रकार के रोगों की समुचित इलाज की व्यवस्था है।